आप अपना माइक भी ऑन कर सकते हैं और आप चैट विंडो में टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ पे ही आपकी लाइव क्लासेस होंगी इंशाल्लाह। सारे सब्जेक्ट्स की, मैथ्स की स्टार्ट हो गई हैं, कंप्यूटर की स्टार्ट हो गई हैं, कल से फिनांस की भी हो रही हैं। वी आर लिटिल बिट लेट, लेकिन ये कोचिंग क्लासेस हैं। दीज आर क्लासेस आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जो अपनी स्टडी के दरमियान में इशू आते हैं उनको यहाँ रिजॉल्व किया जाता है। जी, ऑनलाइन क्लासेस कैसे ज्वाइन करना है? अब अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, आपको मैसेज आता है इसी लिंक का। जैसे आपने यहाँ ज्वाइन किया है, बिल्कुल इसी तरह आपकी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन होती है। टाइम टेबल और शेड्यूल के मुताबिक शेड्यूल आपके साथ व्हाट्सएप में शेयर कर दिया जाता है। बेटा, जो जो इश्यू आ रहे हैं, क्योंकि 30 मई से आपका मिड एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है, तो जो जो इश्यू हैं वो आप यहाँ चैट विंडो में टाइप कर सकते हैं। जी लाइबा, आपका अकाउंट बन गया है। इसमें पी जो है कैपिटल हो रहा है, के जो है स्मॉल लेटर है। बाकी आप टाइप करके इस जीमेल से आप क्लासरूम में लॉगिन हो सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हवाले से आपके जो जो इशू हैं, जो जो प्रॉब्लम्स हैं अभी तक आप फेस कर रहे हैं, अभी फीस के वोचर आ रहे हैं, जो नए स्टूडेंट हम के लिए आपने फीस वोचर की इंस्टॉलमेंट्स बनानी है, एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, क्विज हैं, GDB है, असाइनमेंट्स हैं, उनको प्रॉपर सॉल्व करना है। और बेटा, जैसे आपने ये वाला सेशन ज्वाइन किया है, क्लास भी बिल्कुल उसी तरह आप लोग ज्वाइन करते हैं। क्लास भी इसी तरह के सेशन में होती है। आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास का मैसेज आता है आपको। बेटा, हेल्पलाइन के डिफरेंट नंबर हैं, आपने कोशिश करना है कि जो जिस नंबर पे काम है उसी को कहें। तो शांजा, आपको जो जो भी बुक्स चाहिए PDF फॉर्मेट में, आपको इस नंबर से जवाब से आप रब्ता करें तो इंशाल्लाह आपको बुक्स मिल जाएंगी। बेटा, मैं फिर बता रहा हूँ कि जैसे आप लोगों ने ये वाली क्लास अटेंड की है, बिल्कुल इसी तरह लिंक के ऊपर क्लिक करना है और आपने क्लास को ज्वाइन कर लेना है। जो जो सवालात बेटा आपके जहन में हैं कर लीजिए, ताकि हम वीयू के अगले सेशन में अच्छे से दाखिल हो सकें। जो बच्चे हॉल में हैं, अगर उनको भी मेरी आवाज़ आ रही है, तो बेटा आप लोग भी जो सवाल हैं वो माइक पे भी कर सकते हैं और टाइप करके भी कर सकते हैं। बेटा, नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है? चांसेस स्क्रीन के ऊपर, बेटा जो स्क्रीन शेयर की हुई है उसके ऊपर नंबर मैंने टाइप करके रखा है। सर, क्विज कैसे सॉल्व करने होते हैं काइंडली इसके लिए बता दो, कोई समझ नहीं आ रही मेरे को। क्विज का जो है वो टेबल निकाल के तो उसमें से वो लिखा हुआ है क्विज फायरवॉल एक्सटेंशन, इसका क्या मकसद है, क्या मीनिंग है इसका, मुझे कोई समझ नहीं इसके आ रही। अच्छा समरा, बेटा क्विज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आपका क्विज़ मिस हो जाए तो आप चाहे फाइनल में पूरे नंबर हो, मिड में पूरे नंबर हो, आप फेल होते हैं। इसलिए क्विज़ के ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अपने क्विज़ आपने करने हैं। अभी मैं आपको नंबर दे रहा हूँ क्योंकि लंबा तरीका है, तो सर रज़ा आपको इसके बारे में समझाएंगे। फायरवॉल होता है कि आपके क्विज़ को इस तरह से लॉक किया जाता है कि कोई बच्चा साथ क्विज को नेट से सर्च करके कॉपी पेस्ट ना कर लें। उसके लिए उन्होंने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई है। इसके लिए मैं एक नंबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने आज की क्लास के बाद फॉर ऑनलाइन क्विज हेल्प, ये मैं सर रजा का नंबर दे रहा हूँ, ठीक है? क्लास के बाद आपने सर से रब्ता करना है और ये लाजमी करना है, क्योंकि क्विजेज जो हैं, मुझे सर अगर मैं उनसे इस मामले में काफी दफा बात कर चुकी हूँ, तो उन्होंने ये कहा था कि आज ऑनलाइन सेशन होना है, संडे को आप आ जाएं, तो मैं नहीं आ सकी, सॉरी फॉर दैट। चलिए ऑनलाइन, अभी अभी ऑनलाइन सर का कैमरा शो हो जाएगा, ठीक है? नहीं तो आप क्लास के बाद भी रब्ता कर लें। मैं भी आप अपना नंबर व्हाट्सएप पे शेयर कर दें। व्हाट्सएप का नंबर मैं आपके साथ जी चैट में शेयर करने लगा हूँ। जी
ये व्हाट्सएप का नंबर है, ये मुझे मैसेज कर दें, मैं सर को बाउंड कर दूंगा कि सर जो है आपका मसला सॉल्व कर दें। बल्कि सर से मैं कहता हूँ कि यूट्यूब की छोटी सी वीडियो बना के वो डाल दें, ताकि जिन जिन बच्चों को ये इशू आ रहा है वो इसको रिजॉल्व कर सकें। सर जी, हम जो क्विज़ हमें LMS के अकाउंट में ये लेक्चर के नीचे जो क्विज़ है नोटिफिकेशन आ, तो वो क्विज़ ओपन नहीं हो रहा। क्विज़ अपने टाइम पे ओपन होते हैं, जब आप बेटा लाइबा लेक्चर सारे सुनते हैं तो जो उसकी लाइन में क्विज़ है फिर ओपन होता है। इसके लिए लेक्चर सुनने ज़रूरी हैं कुछ सब्जेक्ट में जो इंटरेक्टिव सब्जेक्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी मैं लाइबा बात कर रही हूँ सर जी। लेक्चर सारा लेते हैं, सारा लेक्चर लेने के बाद यानी जो नीचे क्विज आता है वो ओपन ही होता है, नीचे फेयरवेल का ऑप्शन आ रहा था, फेयरवेल को ओपन करके जब स्टार्ट क्विज पर जाते हैं वहां से क्विज स्टार्ट नहीं होता। मैंने 3-4 दफा उसका स्क्रीनशॉट लेके प्रोफेसर रजा को सेंड किया था। चलिए बेटा, मैं इसकी एक वीडियो बनवा के आप लोगों को भिजवाऊंगा। थोड़ा सा यूनिवर्सिटी की साइट पे भी इशू आ रहा था, क्विज जो है वो इस तरह से ओपन नहीं हो रहे थे, लेकिन हर क्विज अपने टाइम पे ओपन होता है। अगर आप पहले लेक्चर सुन लेंगे तो वो क्विज ओपन नहीं होता, वो जिस दिन उसकी डेट होती है उसी को ओपन होता है, ठीक है। बट फिर भी मैं इसको देख लेता हूँ जो इशू है उसमें। सर हमारे कैसे पता चलेगा कि हमारे डॉक्यूमेंट वेरी हो गए हैं? आंसर, जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ईमेल है आपको बेटा उस पर मेल आती है, जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए उनको ईमेल आती है, जिनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए हैं उनको मेल नहीं आती, ठीक है। अगर आपको मेल नहीं आई तो इसका मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई है। दूसरी बात, आप जब LMS में लॉगिन करते हैं तो वहां भी आपका जो प्रोफाइल है उसमें लिखा होता है डॉक्यूमेंट वेरीफाइड और नॉट। अच्छा सर, हमें कैसे पता चलेगा? अच्छा जी, आगे सर वेबसाइट से प्राइस लग भी है, ये उजाला लग बताती है। बेटा वेबसाइट पे बहुत पुरानी प्राइजेज है, तो फिर आप वेबसाइट से ले लें, ठीक है ना। पाकिस्तान में प्राइजेस तो अब पेपर का रिम जो है 1500 का रिम हो गया, पहले ये 350-400 का होता था। तो उजाला ने घर से तो प्रिंट नहीं करनी, उजाला ने मार्केट से ही लेके देनी है। तो वो तो पुराने वेबसाइट पे दिए हैं, पता नहीं कितने सालों पुराने, तो अगर आपको वहां से मिलते हैं बेटा सबसे पहले वहां से ऑर्डर करते हैं, या आप खुद पेपर लेके प्रिंट करवा लें, कोई इशू नहीं है। सर क्विज की जो अनाउंसमेंट आती है जब अटेम्प्ट करने होते हैं, जी जी आपने LMS में जाना है। LMS में लेफ्ट साइड पे आता है माई टू डू लिस्ट, माई टू डू लिस्ट में आप लोगों ने उसमें सारी जो जो भी क्विज आ रहे होते हैं उनकी डेट और सारा शेड्यूल दिया होता है। जी सर जी, स्टार्ट करें आप अपने एंड से, मुझे फिर बता दीजिएगा। आपका वीडियो बंद हो जाती है, आप स्टार्ट करें, मुझे तो कोई इतराज नहीं, मैं तो सिर्फ टाइम गेन कर रहा था। उसके बाद उनका तो लिंक आया था मेरे पास ग्रुप में, तो मैंने अटेंड कर ली। उसके बाद जो कुछ दो क्लासेस मेरी मिस हो गई है वो मैं नहीं ले सकती, उनका लिंक नहीं आया, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन है तो काइंडली गाइड कर दें। जितनी भी क्लासेस हैं वो यूट्यूब का चैनल जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाला चैनल है, उसका लिंक भी सर रजा मैं से कहूंगा वो आपके साथ शेयर कर दें। जो भी क्लास होती है वो अगर आप नहीं ले सकते तो यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाती है। सर लाइव सेशन जो इंस्ट्रक्टर के साथ चलता है उसका लिंक दो क्लासेस का तो उन्होंने दे दिया था, वो ले लिया। जो इंस्ट्रक्टर के साथ लाइव सेशन होता है ना उसकी बात कर रही हूँ, कि उसके लिए क्या करें? दो क्लासेस जैसे ही इंस्ट्रक्टर के पास मिस हो गई है वो नहीं ले सके, तो उन्होंने लिंक ही नहीं भेजा हुआ था कि किसको क्लिक करना है किसको जाना है। वो बेटा दोबारा नहीं ले सकते, जो इंस्ट्रक्टर के साथ हैं वो दोबारा नहीं ली जा सकती। जो हमारे कैंपस की क्लासेस हैं वो तो आप फिर भी उसका वीडियो लेक्चर दे सकते हैं। अब जो हो गया उसको छोड़ दें, नेक्स्ट कोशिश करें कि उसका जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको ज्वाइन करें।
ठीक। जी बेटा फिर बता रहा हूँ, मैसेज आपको नहीं आना मोबाइल पे, आपको जो वीयू का जीमेल है, 80% बच्चों ने जो वीयू का जीमेल है वहाँ लॉग इन ही नहीं किया। आप लोग देखें वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो जीमेल है वहाँ पे आपको मेल आती है कि अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लें। जिन बच्चों को मेल नहीं आई उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाने। और मरियम बिल्कुल आप इजी पैसा से, सब बच्चों से मैं कहता हूँ कि इजी पैसा की ऐप इंस्टॉल करें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई वोचर की जरूरत नहीं है। सिंपल अपने अकाउंट बुक से अपना वोचर देखें, इजी पैसा के अकाउंट में पुट करें और वहां से फीस जमा कराएं, सबसे आसान तरीका है। जी सरजा आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, अगर अपनी आवाज ऑन करें और स्टार्ट करें प्लीज। नहीं बेटा जैस कैश सपोर्टेड नहीं है, ये सिर्फ इजी पैसा से ही होता है। सबको आवाज आ रही है? अगर किसी ने पानी पीना है तो हमने पानी पीने रखा है। फिर पुराने क्लास आपको अगर पानी की जरूरत है तो मुझे बताइए, मैं बाबू जी को कहता हूँ पानी आपको पिला देते हैं। ज्यादा बाबू जी को कहते हैं कि पानी यहाँ सबको पिला दें। जी सर स्टार्ट करें क्लास। आपका कैमरा ऑफ हो गया। जी बिस्मिल्लाह मैं मांग रही
आज की इस सेशन का आगाज हम रब्ते कुरानी पाक से करेंगे। اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم। جی ویلکم ٹو ورچوئل یونیورسٹی۔ جیسے کہ آپ کو یاد میں ہے کہ آج کا ہمارا سیشن آپ کو ورچوئل یونیورسٹی کی اسٹڈیز کے بارے میں اویئر کرنا ہے کہ آپ نے کس طرح سے ورچوئل یونیورسٹی کی اسٹڈیز کو جاری رکھنا ہے اور اس میں کس طرح سے اپنی بہتر سے بہتر پرفارمنس کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ نے ورچوئل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور پاکستان کی ٹاپ 10 یونیورسٹی میں سے ایک یونیورسٹی ورچوئل یونیورسٹی، فیڈرل گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہے یہ، اس میں آپ نے ایڈمیشن لیا اور اس کے پورے پاکستان میں ڈفرینٹ سٹیز میں ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ لائف سیشن بھی جا رہا ہے اور فزیکل سیشن بھی جا رہا ہے اور وہ بچے ہماری آواز سن رہے ہیں اور اپنی آواز آپ اظہار کر سکتے ہیں۔ آپ کے رائٹ سائڈ پر چیٹ باکس بنا رہا ہے، آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوشچن وہاں چیٹ باکس پر ٹائپ کر سکتے ہیں۔ آپ ڈیورنگ سیشن اپنا مائک آن نہ کیجیے گا، جب آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ یہ کوشچن آنسر کا سیشن چل رہا ہے تو پھر آپ اپنا مائک آن کر کے اپنا سوال بول بھی سکتے ہیں، لیکن اگر ابھی آپ کے ذہن پر بات آتی ہے تو آپ چیٹ باکس کے اندر اپنا کوشچن ٹائپ کر سکتے ہیں اور جو فزیکل بچے بیٹھے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر اپنا کوشچن ریز کر سکتے ہیں۔ آج کی ہماری سیشن ورچوئل یونیورسٹی اسٹڈیز کے متعلق ہے۔ جیسا کہ پہلے اورینٹیشن ہوتی تھی اور بالکل ہی اسٹارٹ میں ہم اورینٹیشن کرتے تھے، تو اس دفعہ ہماری اورینٹیشن ہوئی آن لائن اور آپ سب نے اٹینڈ کی اور اس میں بہت زیادہ کوشچن آنسر آپ نے کیے اور آپ کو آگاہی ہوئی، لیکن کچھ بچے ایسے تھے جن کو فیسلٹی نہیں تھی آن لائن کی کہ سر ہمارے پاس آن لائن کلاس نہیں اٹینڈ ہو پا رہی یا ہمارا سیشن اسٹارٹ نہیں ہو پا رہا یا کسی بھی وجہ سے انٹرنیٹ پرابلم یا کوئی بھی پرابلم کی وجہ سے وہ سیشن اٹینڈ نہیں ہو پا رہے، تو ہم نے ان کو پھر مدعو کیا کہ تمام بچے جن کو کسی بھی قسم کا کوئی اسٹڈی کے اندر پرابلم آ رہا ہے تو ہمارے پاس سنڈے کو آ جائیں، ہمارے تمام کیمپسز جو ہمارے اسلام آباد میں بھی ہیں، حیدرآباد میں بھی ہیں، وزیر آباد میں بھی ہیں، سیشن چل رہے ہیں، تو آپ وہاں بیٹھ کر ہم سے فیس ٹو فیس اپنے پرابلم ہو جائے آپ کے سکتے اب دنیا چلانا
अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो मोबाइल को भी ऑपरेट करो, ठीक है ना? मोबाइल नहीं होता, लेकिन जब आप लेक्चर प्ले करते हैं तो वहां पर ये प्रॉब्लम आता है, लेक्चर स्टक होता है, ना पीछे जाता है और ना एक्टिविटी होती है, और वहां पर वो आगे बच्चा परेशान हो जाते हैं, वो लेक्चर को लेक्चर नहीं करते हैं। ये तो हो गया टेक्निकल प्रॉब्लम कि आप अपने आप प्रॉब्लम कर ले, लेकिन एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट के एंड पे, मुझे पता ही नहीं लेक्चर चलाने कहां से है। जब आपका है ना सुनता है तो नीली पट्टी नजर आ रही है आपके सब्जेक्ट के कोड के टाइटल, जहां आपका सब्जेक्ट का कोड लिखा, जहां टीचर की तस्वीर है, उस तस्वीर के साथ आपका लेक्चर का कोड नजर आता है, तो वहां पर आप अपनी टाइटल पर जब आप क्लिक करते हैं तो वहां से आप अपने लेक्चर को प्ले कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ एक लेक्चर प्ले करके दिखा देता हूँ, तो आपको उसके लेक्चर प्ले आते हैं ना, वो मैं आपको बता दूंगा। जी सर, ये मुझे प्रेजेंटर बनाइएगा, मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। तो हम LMS खोल लेते हैं। LMS खोलना तो सबको आता है ना, वीडियो LMS स्टार्ट व्यू स्टार्ट इंडी स्टार्ट पी के जी सर, सर मुझे प्रेजेंटर बनाइएगा, मैं वो उजाला सर को कहना कि प्रेजेंटर बना दें मुझे। उजाला तो दो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई, उधर का प्रॉब्लम होता है अमूमन वो बच्चे का जो सवाल अगर मिस्टेक हो जाता है लेक्चर, तो ये प्रॉब्लम क्रोम में आता है, उसके लिए आई प्रेफर कि आप ओपेरा ब्राउज़र कैसा होता है मैं आप गूगल में लिखता हूँ। जो आपके चल रहा है ना, इसकी वजह से आवाज इतनी स्पीड से नहीं जा पा रही, अपना वाईफाई ऑफ कर देगा, थोड़ी देर के लिए जब तक हमारा सेशन चल रहा है तो अपना वाईफाई ऑफ कर देगा। बना दी प्रेजेंटेशन,
तो जब आप ब्राउजर ओपेरा ब्राउजर इंस्टॉल करते हैं उसकी आइकन ऐसा है, नजर आ रहे हैं सबको? ऑनलाइन वालों को नजर नहीं आ रहा तो उनको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, आपको तो पता चल गया। ओपेरा ब्राउजर में जब आप अगर चलाते हैं तो वो जो लेक्चर प्ले है वो स्टार्ट नहीं होता, क्रोम के अंदर स्टार्ट हो जाता है समटाइम लेक्चर प्ले होता है। जी तो हम लोग इस पट्टी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें लेक्चर की लिस्ट नजर आ जाती है, वहां से हम उसको प्ले करते हैं तो यहाँ पर व्यू शो होगा। अब जो जीरो सेमेस्टर के बच्चे हैं उसका व्यू शो नहीं हो रहा, जो दूसरे स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड सेमेस्टर के उनके भी कुछ सब्जेक्ट में भी शो हो रहा है कुछ में नहीं शो हो रहा, तो इसमें परेशानी की बात नहीं है। जिस सब्जेक्ट में शो हो रहा है आपने उसके करने हैं प्ले डालनी, और उसका पता यहाँ से भी चल जाता है कि जब आप प्रोग्रेस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एब्सेंट और प्रेजेंट शो होगा। अगर आप अपना रनर्स खोलेंगे और प्रोग्रेस पर क्लिक करेंगे प्रेजेंट जो होगा जीरो वालों का नहीं होगा, जीरो के अलावा बात कर रहा हूं, ठीक है? तो ऐसे सब्जेक्ट जिसका एब्सेंट और प्रेजेंट जो हो रहा है उसके लेक्चर मस्ट प्ले करें, उसका व्यू का ऑप्शन राइट साइड पे आ रहा है। कोई और बच्चा है जिसका जो फर्स्ट सेमेस्टर का जीरो का तो अभी यहाँ सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे, जो अजय जी तीन सब्जेक्ट है जीरो में तो उसमें आपके वो शो नहीं हो रहे, ये एक सब्जेक्ट है जीरो 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 वन इसका
इसी कलर का होता है, 10 कलर का। और क्या मैंने लगा देना इतना मैंने लगा दिया नहीं जी तो ये जो चीज है इसमें लिखा हुआ है कि आपका ड्यू डेट यानी कि इस फीस जमा कराने की लास्ट डेट है 29 अप्रैल। आज जैसे 28 डेट आ गया, कल लास्ट डेट है, उसके बाद खुद तो खुद आपका फाइन हटा गया, जो खुद तो खुद आपका फाइन हो जाएगा 5,240 रुपए। यानी कि अगर 28-29 4,240 रुपए। आप अपने मोबाइल से टेलीनॉम इजी पैसे की ऐप इंस्टॉल करके इसकी फीस जमा करा सकते हैं। कुछ बच्चों के पेरेंट्स ऑनलाइन फीस जमा कराने चाहते हैं क्रेडिट कार्ड से। जी क्रेडिट कार्ड के लिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा, वहां पर अपनी सारी क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री देनी होगी। ये पेपर यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री देनी होगी, वो जिसके पास क्रेडिट कार्ड होता है, वीजा कार्ड होता है, पे ऑनलाइन वाला एसबीआई का या जिसका भी, वो उसको पता होता है कि मैंने क्रेडिट कार्ड कैसे यूज करना है, तो वो यहाँ हिस्ट्री देता है और फिर सबमिट करता है तो उसके क्रेडिट कार्ड से फीस पे हो जाती है। क्रेडिट कार्ड का नुकसान बता दूं, जब उसमें 40 दिन के बाद उसको पे करना होता है, तो ये जो बिजनेस मैन है उसको इस बात का पता होता है क्रेडिट कार्ड की डिटेल के बारे में, यानी कि क्रेडिट कार्ड से भी पे हो सकती है फीस। दूसरी बात हम कर रहे हैं कि अगर आपकी फीस जमा नहीं होती, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है, और एक दिन के बाद डेट भी गुजर गई, तो आपको ऑटोमेटिक जुर्माना पड़ेगा। आप मुझे सर को मैडम को इस बात पर इंसिस्ट करके कॉल करके बार बार इसको कहते सर मैं जुर्माना नहीं दे सकती, सर मेरा क्लाइंट ये जुर्माना वेव करा दे, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने वोचर के अंदर लिख दिया है कि अगर आप ड्यू डेट के बाद जमा करवाएंगे तो आपका ये जुर्माना होगा। जो पॉलिसी है ना वो पॉलिसी नहीं कर सकते, हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं कि बेटा ये पॉलिसी है, इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। आपकी रिक्वेस्ट अमूमन मैंने देखा है जो बच्चे के जो प्रॉब्लम है ना वो पॉलिसी को चेंज के होते हैं, तो किसी भी स्टेज के ऊपर पॉलिसी चेंज नहीं हो सकती। आपकी पुलिस से, आपकी रिक्वेस्ट से, आपके घरेलू प्रॉब्लम आप जो करते हैं सर रेडियो बैठो खाना हो गया था रेडियो हो गया था भाई, हमने आपकी सारी बात सुन ली, एक बंदे के लिए पॉलिसी चेंज नहीं होती, ठीक हो गया। जो उन्होंने डेट लिखी है वही डेट है, अगर उस डेट पे फीस नहीं जमा कराएंगे नीचे फाइन भी लिख दिया है, खुद का खुद फाइन चार्ज हो जाएगा, आप बैंक में जमा कराएं कहीं भी जमा कराएं फाइन चार्ज होगा। तो अगर तो आपकी मजदूरी नहीं है तो आप बैंक में जमा कराएं, अगर आपकी मजदूरी है किसी वजह से नहीं जमा करा सकते तो फाइन के साथ जमा करा दें, और अगर आपने फाइन के साथ भी नहीं जमा कराई फीस तो आपका LMS ब्लॉक हो जाएगा, और जब LMS ब्लॉक हो गया तो आपको जब तक आपका बैलेंस जीरो नहीं होगा तो LMS ओपन नहीं होगा, फिर उसमें आपको अपनी जो उससे पिछली बार जो 500 का वोचर है साल के तौर पर स्पोर्ट फंड का एक वोचर आएगा 500 का, और एक फंडर का वोचर आएगा 1,000 रुपये का, जब तक वो सारे ही जमा करके फिर अनब्लॉक नहीं होगा, तो अपने LMS को अनब्लॉक और ब्लॉक के चक्रों में पड़ने से बेहतर है कि प्लीज टाइम से पहले जमा करो, ताकि आपका अमूमन ऐसा होता है कि कोई इसकी लाल देख है यूनिवर्सिटी कैसे करती है कि जब असाइनमेंट भी दे जाती है
जब क्वींस की डेट आती है, जब एनशीट की डेट आती है, तब एलएमएस ब्लॉक कर देती है, क्योंकि उसे पता है बच्चा आपको लाजमी बी जमा करवाएगा। ठीक है, अमूमन यूनिवर्सिटी तब ही क्लोज करती है एलएमएस, ब्लॉक करती है एलएमएस, जब अगले दिन किसी चीज की लाजमी होती है। ठीक है, तो ये चीज मद्देनजर रखें, ये एन आखिरी दिन आपका एलएमएस ब्लॉक हो जाता है। जैसे गेट शीट लाजमी आएगी या गेट शीट अनाउंस होगी, अभी मंडे को या ट्यूजडे को आपकी डेट शीट अनाउंस होने जा रही है, जैसे डेट शीट अनाउंस होगी तो आपकी एलएमएस ब्लॉक हो जाएगा। अब जिस बच्चे ने 29 डेट को फीस जमा नहीं करवाई, एक दिन उसको दिया मैंने जीने मार करके, अगर उसने उसने भी जमा नहीं कराई जुर्माने के साथ, अब ना उसने जुर्माने के साथ जमा कराई ना जुर्माने के बगैर जमा कराई, अब निश्चित समझती है कि ये पढ़ने में दिलचस्पी नहीं रखता, लिहाजा इसका एलएमएस ड्रॉप कर दिया जाए। अब बच्चा ये समझता है कि मैंने जो स्टडी नहीं की, चलो मैं बाद में पढ़ लूंगा, अगले सेमेस्टर में पढ़ लूंगा, और जब वो 6 महीने के बाद अगले सेमेस्टर में आता है बच्चा कि सर वो तो मैं तो पहले महीने छोड़ के चला गया था कराची, मेरी मम्मी उनकी शादी हो गई थी, क्या मेरा जो भी मेरा घरेलू प्रॉब्लम थे तो मेरा तो एलएमएस ड्रॉप हो गया था। हम कहते हैं बेटा पहले तो पिछले सेमेस्टर की सारी फीस जमा कराओ ना, ताकि आपका एलएमएस अनब्लॉक हो। बेटा सुन रहे हैं, जब आपका एलएमएस अनब्लॉक होगा तो फिर आप अगले सेमेस्टर की बात शुरू करोगे। आप कहोगे वो तो मैंने एलएमएस पढ़ाई नहीं था, अब हम कहेंगे बेटा वो तो आपको फीस देनी है, क्योंकि आपके एलएमएस में आ चुकी है, जो आपकी फीस आ गई है, चाहे आप फ्रीज करो, चाहे आप छोड़ दो, चाहे आप लाहौर चले जाओ, कहीं चले जाओ, 6 महीने बाद स्टडी स्टार्ट करो, वो फीस देनी है। जब तक वो फीस देगी आपका अनब्लॉक नहीं होगा, जब तक अनब्लॉक नहीं होगा आपकी कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकेगी। अगर एक मतलब आपका एलएमएस ब्लॉक हो गया तो जब आप हमें कॉल करोगे कि सर मेरा एलएमएस ऑन कर दें, सर मेरा एलएमएस में ये ब्लॉक एक्टिविटी कर दें, हम कहेंगे बेटा पहले फीस जमा कराओ, अगली बार तो होगी बाद में, क्योंकि आपका अकाउंट ही ब्लॉक हो गया। और अगर आप 2 सेमेस्टर एलएमएस को ऑन नहीं करके तीसरे सेमेस्टर आपकी याद आती है वो एलएमएस पढ़ना है, अगर आपने कोई एक्टिविटी नहीं की तो योर एडमिशन विल बी कैंसिल। मैंने तो 6 किताबें पास की थी पिछले सेमेस्टर में, मैंने तो उससे अगले सेमेस्टर में 12 किताबें पास की थी, वो सारी आया, फिर उसका एक प्रोसेस होगा कि नहीं जी आप री एडमिशन की फीस दो और अपनी को जो सारी फीस पड़ी थी आपके साथ का वो दो, फिर आपका एलएमएस एक्टिव होगा, फिर जब आपका एक्टिव होगा तो फिर आप वहीं से स्टार्ट करोगे जहां से आपने छोड़ा था। तो बात यह है कि जब आपने सारी फीसें देनी ही है, अब प्रॉब्लम किसके साथ नहीं होती, हर किसी के साथ है, दुख सुख कर किसी के साथ लगा रहे। अगर आप ये समझ रहे हैं कि सर मेरे साथ प्रॉब्लम है, तो आप अभी से प्लानिंग करें। जब आपकी कोर्स सिलेक्शन आती है और आपको पता है कि मेरी अगले 2 महीने में घर में मसरूफियत है, भाई की शादी है या एबीसीडी है, बहुत सारी मसरूफियात होती है, तो कोई भी मसरूफियत है अगले 2 महीनों में मैं अवेलेबल नहीं होंगी और मैंने फीस भी पूरे साल के लिए पड़ेगी, बकौल सर सर ने कहा था कि फीस देनी पड़ेगी, और अगर मैं फीस का देती हूँ एडमिशन कैंसिल हो जाता तो मैं क्या करूँ। आप एलएमएस में ओनली 1 सब्जेक्ट रखें, या तो वो टोटल बता रहा हूँ जिससे आपका काफी बढ़ जाएगा और काफी भी छुटेगी। आप अपने एलएमएस में सब्जेक्ट ही एक सिलेक्ट करें, जब क्या था ना कोर्स सिलेक्शन, जीरो की बात नहीं कर रहा, जीरो सेमेस्टर तवज्जो रखिएगा, उनकी बात नहीं हो रही है, बाकी सेमेस्टर की बात हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक
सर मेरी तो उससे अगले महीने शादी है, क्या मेरे इससे अगले महीने मेरी तनख्वाह नहीं मिली है और मैं अपनी स्टडी जारी नहीं रख सकता। तो सब्जेक्ट ही एक रखने, एक सब्जेक्ट रख के एक मतलब फीस नहीं, एक सिर्फ सब्जेक्ट की फीस आएगी दो दिन की मिसाल पर वो देकर अगर तो कर लिया आपने तो ठीक, अगर आपकी देर में स्कूल या परेशानी है किसी वजह से। अभी सुबह मेरे पास एक बच्ची आई थी, सर मेरे छह सब्जेक्ट है और मेरे काबला बीमार है बहुत ज्यादा, मेरा कुछ मैंने कहा बड़ा फीस तो लेनी पड़े पढ़ो ना पढ़ो फिर बताओ कहते सर मैंने कुछ भी नहीं किया की कहानी थी। तो आप कल आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो आप एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर, अगर आपने अभी भी ज्यादा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए हैं और आपके समझ रहे हैं कि मेरी तो परेशानी है मैं नहीं कूद कर पा रही, कोर्स सिलेक्शन पर टिकट जनरेट करके ईमेल करके अपना सब्जेक्ट ओनली वन ऐड कराए और बाकी ना मिस कर, उससे यह होगा कि वन सब्जेक्ट की बीस आएगी और आपका एलएमएस एक्टिव रहेगा, चाहे उतना फेल भी हो जाओ तो कोई मसला नहीं, आपका एलएमएस एक्टिव रहेगा। आपने अपना एलएमएस एक्टिव रखना है हर सूरत में, अगर आप अपना एलएमएस एक्टिव नहीं रखते दो सेमेस्टर लगातार तो आपका एडमिशन ऑटोमेटिक कैंसिल, और जब आप री एडमिशन पर जाएंगे तो वो कहेंगे पहले पिछले की फीस दो सॉरी और फिर अगले ईयर री एडमिशन फीस दो 2000 रुपए और फिर आपका वहीं से स्टार्ट होगा जहां से आपने छोड़ा। नहीं मैं सिर्फ दो मिनट की ब्रेक लेता हूँ उसके बाद दोबारा ज्वाइन करता हूँ, एक मिनट जो आपके सब्जेक्ट से निकल का है क्यूरी वो आप कोर्स में लगाएंगे, ठीक है कि मेरे कोर्स में ब्रांचेस नहीं आ रही, मेरे कोर्स में ये नहीं हो रहा, मेरे कोर्स में ये नहीं आ रहा, ये लिखा है तो टिकट जनरेट करेंगे, ये लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट अस वेबसाइट के बिल्कुल एंड में एक एक कॉन्टैक्ट अस लिखा है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया वहां आएगा हेल्प हेल्प के पोर्टल पे क्लिक किया वहां आएगा लॉगिन आईडी पासवर्ड वहां भी क्लिक करेंगे फिर आएगा टिकट जनरेट वाला ऑप्शन, उसमें डिपार्टमेंट होंगे, डिपार्टमेंट में माई कोर्स आपके सब्जेक्ट जो होंगे सब्जेक्ट के अंदर आप उस सब्जेक्ट से रेलिवेंट जो बात होगी वो आप उसमें करेंगे, और अगर आपकी बात होगी डिपार्टमेंट से मिसाल के तौर पर एग्जाम डिपार्टमेंट से तो एग्जाम के डिपार्टमेंट में क्लिक करेंगे, फाइनेंस के अंदर किस डिपार्टमेंट को टिकट जनरेट करेंगे, और रजिस्ट्रार के अंदर आप अगर जो आपके प्रॉब्लम है वो रजिस्ट्रार अमूमन की आपके प्रॉब्लम होती है एग्जाम प्रॉब्लम होती है या आपकी क्यूरी होती है वो रजिस्ट्रार, और भी कुछ डिपार्टमेंट वहां पर मेंशन है लेकिन अमूमन ज्यादा ही होती है, और एक ऑप्शन है आईटी डिपार्टमेंट आपके एलएमएस के अंदर एरर जनरेट हो गया चलते चलते कुछ हो गया, एक तो वो एरर है जो सब बच्चों को आ गया हमारे, जैसे ही कोई एलएमएस के अंदर एरर जनरेट होता है तो हम ग्रुपों के अंदर मेंशन कर देते हैं कि एलएमएस की वेबसाइट के अंदर मेंटेनेंस पे है तो आप प्लीज वेट, इसमें परेशान होने की बात नहीं है, बार बार मैसेज करके बार बार कार्य करके काम करने वाली बात नहीं है, जब आपको मेंशन हो गया कि एरर सामने शो हो गया और फौरन जब आपके एलएमएस के ऊपर एरर शो हो जाए तो ग्रुप चेक करें कि क्या हमने ग्रुप के अंदर कोई ऐसा नोटिस तो नहीं डाला कि एरर जनरेट हो गया, अगर तो वो एरर सब का आ रहा है तो फौरन हम सबको इन्फॉर्म करेंगे, और अगर वो एरर सिर्फ आपका आ रहा है तो फिर आप हमें फौरन बताएंगे सर मेरे मोबाइल पर मेरे एलएमएस में ये एरर आ गया, फिर हम देख के बताएंगे कि नहीं ये तो सबका आ रहा है या सिर्फ आपका आ रहा है, अगर तो सबका आ रहा है तो फिर परेशानी की बात नहीं है, फिर तो सही होगा और फिर उनको वेबसाइट ठीक होगी तो आपका इंतजाम ठीक हो जाएगा, अमूमन ऐसा होता है कि वेबसाइट अपडेट हो रही होती है या कोई नई चीज आ रही होती है तो वो उसमें तो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन कुछ बच्चों के सीपीयू में प्रॉब्लम आता है ब्राउजर इन बात काम कर रहा होता है एलएमएस नहीं खुल रहा होता है कुछ एरर वो एरर भी होती है, तो वो जब आप एरर हमें भेजेंगे तो हम देख के समझ पाएंगे कि एरर है क्या और प्रॉब्लम है कहाँ, फिर हम उसको गाइड करेंगे कि आप करें क्या आप इस टाइम क्या करें, ये डीएल कॉन्टैक्ट अस है ये हेल्प लिख कर नजर आ रहा है सबको हेल्प का ऑप्शन, जब उसके बाहर फिर रहे हैं आ जाए लाइव में
आउटिंग प्लेस नहीं है, लैब के यहाँ पर जो बातें हमने बाद में जो आप यहाँ से पूछना है कि सर टिकट कैसे जनरेट करते हैं, तो हम बाद में आपको घंटे बजे वीडियो देखने वाले अब रात के 10 बजे आप हमसे पूछते हैं 11 बजे 12:30 बजे की टिकट बच्चे की कॉल आती है सर वो मैं बुक करा रहा था मुझे ये प्रॉब्लम शो हो गया सर मेरा ये हो गया भाई ठीक है आपके प्रॉब्लम है लेकिन आप उसको टाइम को नहीं नजर आप हमारी वीडियो तो देखें कि हमने किस वीडियो के अंदर क्या बयान किया गया है अच्छा ये बात कर रहे हैं कि हम हेल्प के ऊपर क्लिक कर दिया तो वहां पर आईडी पासवर्ड मांगेगा इस बच्चे ने आईडी पासवर्ड लगाया तो वो आ गया अब हम बात करेंगे कि किसी भी टॉपिक से रिलेवेंट आपके बच्चे ले कर सकते हैं बहुत जल्द मंडे को या ट्यूजडे को डेट शीट आ जाएगी अगर यूनिवर्सिटी में आ गए तो उसको अंका नहीं करता कि आपकी मौजूदगी होती मेरे भी होती हो कई शाम को जॉब करते हैं मॉर्निंग में भी होती है कई मॉर्निंग में जॉब करते हैं शाम को भी होते हैं चार दिन जॉब कर फ्राइडे को भी होते हैं कई कहते हैं कि सर हमारी जॉब कंपनी के सुबह करते हैं शाम 5 बजे जाते हैं तो उनका पेपर सुबह 7 बजे रखा जा सकता है तो डेट और टाइम आपने सेलेक्ट करना है जब आप डेट सीट बनाते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट योर सिटी पहले आप अच्छा मेन डेट सीट की एक अलग से वीडियो बना के हमने ग्रुप में डाल दी है मेन डेट सीट की अलग से वीडियो मैंने ग्रुप में डाल दिया वो भी देख सकते हैं लेकिन अभी मैं दुकान पर आप बैठे हैं तो आप बात कर रही है तो ये आपके पास और डेट आपकी पसंद की जो नजर आ रही होगी साल के बाद यूनिवर्सिटी ने कहा है कि 30 मई से पेपर स्टार्ट और 10 करेंगे 30 मई से 10 जून उम्मीद है कि ये डेट इसी तरह से होगी उम्मीद है तो आप ये जो यूनिवर्सिटी डेट कह रही है उनमें से आप अपनी पसंद दे रही हैं टाइम सेंटर आपने आपनी ये दो सके और एक हमने ऐसे देखा है एक एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जिसे हम कहते हैं उर्दू में दबाव ठीक है जिनका एक बंदा पीछे बेसिक लेने के चल रहा होता है अगर बंदा आ गया ठीक है जब वो बेसिक कमरे में एंटर करके खोलता तो जब बंदा वो हो मेरी बेसिक को किसी को बनाई थी मुझे किसी और को थी और मेरा पेपर तो मैं तो आ गया किसी को नहीं ये किसी को नहीं आ गया और पेपर किसी रोड पे था नेम सेम है ना ठीक है जब मेरा सेंटर 01 सेक्टर कैंपस में था और अगर सब्जेक्ट की कोई बात है तो उस सब्जेक्ट से रिलेवेंट टीचर को आप यूनिट सेंड कर सकते हैं
कि टीचर मेरा ये सब्जेक्ट है, इसमें ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, मुझे प्लीज एक्सप्लेन कर दी, तो एक्सप्लेन कर दी टीचर मेरे असाइनमेंट की नहीं अर्जिंग हो गई, अर्जिंग हो गई, अर्जिंग हो गई, इस तरह का ठीक हो गया। अगर आपके सब्जेक्ट से निकल का बात नहीं है, एग्जाम से निकल का बात है, फीस से निकल का बात है, तो वो अपने अपने डिपार्टमेंट में शो किए गए वहां पर आप टिकट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक सवाल किया, सवाल है यहाँ पर अभी टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, ठीक है, ये मैं टिकट जनरेट करता हूँ। हाँ जी, ये अपने बच्चे ने टिकट की, तो रिप्लाई कैसे आया, आपने टिकट की है, ये जो व्हाइट वाला होता है रिप्लाई है, आपकी टिकट का 24 घंटे के अंदर आ जाता है। अगर आपको किसी भी स्टेज पर प्रॉब्लम आती है, उसका टिकट जनरेट उसका जवाब सुने, अगर आपका केस जेन्युइन है तो और आपको बात कर रहे थे आपने फोन में डेट शीट का जो बच्चे बाहर घूम रहे हैं वो उनको मैच में भेज दें मैडम। तो पोर्टल के ऊपर आपको डेट शीट बनानी है। अगर तो आपकी फाइनल की डेट शीट नहीं बनती है, मिड टर्म देना लाजमी है, मिड टर्म में सिलेबस कितना होगा, ठीक है, मैं पहले ही आपके जहन में उठने वाले सवाल ध्यान कर रहा हूँ और एंड में फिर आपसे पूछ